उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद में प्रसाद मौर्य ने पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पौधा लगाया। उसके बाद मुरादाबाद मंडल के 5 जिले मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल, बिजनौर में 602 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले सड़कों के निर्माण के कार्य का लोकार्पण व शिलान्यास किया। केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बात करते हुए दो बच्चों वाले अध्यादेश का विरोध करने वाले लोगों के बारे में कहा कि जनता दिल चाहे विरोध करते रहें, 100 में से 60 हमारा है, बाकी 40 में बंटवारा है और उन 40 में भी हमारा है, विरोध करने से कुछ नहीं होता है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और गठबंधन करने वाले कितना ही गठबंधन कर लें, उनके गठबंधन की गांठ में दम नहीं है और उनकी गांठ जनता खोल देगी। उन्नाव में पत्रकार के साथ हुई घटना पर कहा कि पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है, मगर विपक्ष ये कहता है कि टाइमिंग तय नहीं हुई है अभी इनकी और ये सिर्फ योगी सरकार का चुनावी हथकंडा है। देखिए, विपक्ष मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहा है, अन्यथा अंदर खाने से पक्ष तो चाहता ही है, विपक्ष भी चाहता है और हम जो भी काम करते हैं वो देश और प्रदेश के हित में काम करते हैं और मैं लगातार देख रहा हूं कि जनसंख्या नीति को लाने के फैसले का प्रदेश में तो स्वागत हो ही रहा है, पूरे देश में स्वागत हो रहा है। सर, सपा सांसद सपियों को रमान वर्ग ने जनसंख्या कानून को कुदरत से टकराने वाला कानून बताया, बोले अगर देश पे हमला होता है तो रक्षा कैसे होगी फिर अगर ये लागू। उसकी चिंता वो ना करें, 56 इंच के सीने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पर देश को भरोसा है, वो भी भरोसा करें। सर, लखनऊ में लखनऊ में उस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? लखनऊ में ADS ने जो टेररिस्ट पकड़े हैं अलकायदा के, क्या प्रतिक्रिया? ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कर ही रही है, जो भी देश विरोधी शक्तियां उनको पकड़ रहे हैं, जो आपराधिक शक्तियां हैं उनको पकड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बड़े से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो भी पुलिस कर रही है, जिनको भी पकड़ा है उसकी जांच होने दो, जो दोष उनके होंगे उसके हिसाब से उनको दंड देने का काम जो भारत के संविधान ने पुलिस को अधिकार दिया है, उस अधिकार का प्रयोग करके ऐसे लोगों को पकड़ा जाना और दंड दिलाया जाए। नहीं, कोई भी इस तरीके से पत्रकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार, कोई घटना नहीं होनी चाहिए और जो घटना हुई है उसके जो दोषी होंगे कार्रवाई करेंगे। जब से जो है ये जनसंख्या कानून आया है, जब से जनसंख्या कानून की बातचीत चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, लगातार विपक्षी जो है उसको घेरने की तैयारी कर रहे हैं। घेर ले जितना घेरना चाहे, हम तो 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, ऐसा नहीं केवल हिंदू इसके पक्ष में, मुसलमान भी इसके पक्ष में। क्या विपक्षियों को मनाने के लिए कुछ पहल करी जाएगी? हम मनाने के लिए पहल इसलिए नहीं करेंगे कि मनाने के लिए कोई इसका विषय नहीं है कि ये कोई ऐसा विषय है जिसमें हम उनको मनाएं कि मान जाओ देवता, वो विरोध करना उनका लक्ष्य है, वो करते रहे। अगर शब्द का प्रयोग नहीं करिए कि आती है, आएगी ही, क्योंकि जनता का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, लोगों से मैं इतना कहना चाहूँगा उनके नाम से घबराए नहीं। जितना खजाने में आता जाएगा वो पूरा का पूरा रिटर्न में जिनको हक मिलना चाहिए उन तक पहुँचाया जाएगा।